वेलकम टू जूम क्लासेस बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 4 और आपके चैप्टर का नाम है स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक्सरसाइज 4.2 करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट, जिसमें से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से अगर आप नहीं देखें तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फाइंड द रूट्स, रूट्स आपसे कह रहा है फाइंड करने के लिए स्टूडेंट। क्या फाइंड करने के लिए आपसे कह रहा है? रूट्स फाइंड करने के लिए कह रहा है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, इसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू करना है। तो इसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें क्या करना है? फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू करना है, और हमें इसके क्या फाइंड करना है? रूट्स फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, या तो आपसे रूट्स कहे फाइंड करने के लिए, या फिर आपसे कहे जीरोस फाइंड करने के लिए, या आपसे कहे स्टूडेंट सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहे फाइंड करने के लिए, सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहे करने के लिए। तो स्टूडेंट इन तीनों स्थिति में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम एक्स के ही वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हाइस्ट पावर 2 हैं, तो इसके आंसर भी 2 आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? तो चलिए अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। अब स्टूडेंट देख लीजिए, इसको हम कैसे करेंगे, ये 2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 6 12, यानी कि -12x² हो जाएंगे। ऐसा ही हम करते हैं ना फिर? ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, ये a वाले को, a को और c को, ये इसको एक्स स्क्वायर के जो साइड में होते हैं उसके a बोलते, उसे हम a बोलते हैं, और जो बिना x वाले होते हैं इसको हम c बोलते हैं। तो ये -6 है और ये 2 है, तो 6 2 12, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगेगा, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लगेगा, तो कितना आ गया स्टूडेंट, -12x² आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कौन ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 12x² हो जाए। ठीक है, माइनस को आप हटाइए, बाद में मैं इसके लिए बारे में बताऊँगा, जो बहुत आसान है। ठीक है, इसके लिए आप मत सोचिए कि माइनस कैसे लगाएं, वो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मेरे वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि 12x² कैसे आ जाए। तो आपको पता है कौन ऐसा नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² हो जाए, और प्लस या माइनस करने पर प्लस एक्स हो जाए, कौन ऐसा नंबर है बताइए स्टूडेंट? तो वह नंबर है स्टूडेंट 4x और 3x। ठीक है, 4 3 12, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और 4x में से 3x घटाएंगे तो 1x बचेगा। समझ में आ गया जी? अब प्लस माइनस का तो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, इसके लिए आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ क्या है स्टूडेंट, 2x² है, तो हम एज इट इज लिखेंगे 2x², प्लस है यहाँ पर तो प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, प्लस का है तो प्लस का साइन लगाइए, और फिर आपको एक्स के बदले में क्या लिखना है, 4x लिखिए, -3x लिख दीजिए। सिंपल, 4x में से 3x घटाइएगा तो कितने हो जाएंगे, 1x आ जाएंगे। ठीक है, और इसको स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, और माइनस का साइन है तो माइनस, x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा। बस सिंपल है तरीका ये, -6 = 0। अब आपको प्लस माइनस तो बहुत समझने में आसानी हो गया, बहुत आसान हो गया ये, प्लस माइनस आप आराम से कर सकते हो। देख लीजिए आप, 2x² + 4x प्लस माइनस -3x -6 = 0। अब इन दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन ले सकते हैं आप, 2x कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, एक x बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2x है, 2 तो कॉमन ही ले लिए, एक x कॉमन ले लिए तो एक x बच गया, क्योंकि यहाँ 2x है, प्लस x कॉमन आप ले लिए हैं, 2 भी कॉमन, यानी कि 2 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 4x आएगा, 2x 2 4x हो जाएंगे, 2 ही बार में तो आएंगे। ठीक है, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लिखेंगे, 3 है तो 3 हम कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, जब हम 3 इन दोनों में 3 ही तो कॉमन ले सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, तो 3 के टेबल में 3 भी आएंगे, 6 भी आएंगे, तो इसलिए हम 3 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो क्या बच जाएगा मेरा स्टूडेंट, x बच जाएगा। लेकिन स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये वाले जो साइन है ना फिर इसमें माइनस में, तो ये प्लस में हो जाते हैं, याद रखिएगा जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा, तो 3 2 6 = 0। अब स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए,
एक्स प्लस टू यहाँ भी आ गया, एक्स प्लस टू यहाँ भी आ गया। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि जो हम ये फैक्टर निकाल रहे हैं या फिर जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं या जिसको हम रूट्स निकाल रहे हैं, ठीक है, जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं ये वो बिल्कुल क्या है, सही है, 100% सही है, क्योंकि x प्लस टू यहाँ भी आ गया, x प्लस टू यहाँ भी आ गया, दोनों तरफ इक्वल आ रहे हैं ना फिर, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे इसके बाद स्टूडेंट, कि दोनों में से किसी एक को हम लिख देंगे x प्लस टू, तो क्या बच जाएगा स्टूडेंट मेरा, 2x माइनस थ्री इजकल टू ज़ीरो, ठीक है स्टूडेंट, बहुत आसान तरीका है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, तो देख लीजिए आप यहाँ पर x प्लस टू इजगल टू ज़ीरो लिख सकते हैं, तो x इजगल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस टू, पता है प्लस में है, इक्वल के बाहर जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया स्टूडेंट माइनस टू, एक रूट आ गया मेरा, ठीक है, दूसरा भी x हमें निकालना होगा, तो 2x माइनस थ्री इजगल टू ज़ीरो लिख सकते हैं, 2x माइनस थ्री इजगल टू ज़ीरो, ठीक है, तो 2x इजगल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, थ्री, इक्वल के बाहर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x इजगल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3/2, ठीक है, क्या आ गया स्टूडेंट, x इजगल टू 3/2, तो x का वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट, 3/2 आ गया, एक आ गया मेरा माइनस टू और एक आ गया मेरा 3/2, तो स्टूडेंट आपके रूट्स क्या हो गए, तो x के क्या आंसर आए हैं, तो x के आंसर आए हैं स्टूडेंट माइनस टू आ गए और 3/2 आ गए, तो यही दो स्टूडेंट आपके हो गए जीरोज़, और यही हो गया स्टूडेंट आपका आंसर। तो मैं कहना चाहूँगा स्टूडेंट कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ठीक है, तो आप हमारे प्लीज़ जूम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि मैं जल्द से जल्द मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, ठीक है, और फिर मैं बहुत अच्छे से और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाऊँगा स्टूडेंट, ठीक है, जल्द से आप वो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर भी कर दीजिए, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डेट्स ऑल फॉर टुडे, जय हिंद जय भारत।